खिली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दीदी ने पहाड़ी बनाई दिया ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, यो हमारा भी होगा। मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, और आज स्वागत करता हूँ आपका हमारे उत्तराखंड के इन सुंदर गांव से। और अभी मैं हूँ लौसरी गांव देवाल ब्लॉक के अंदर सवाड़ गांव से नीचे। तो अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता हो गया हमारा, और अभी मैं खा रहा हूँ ये क्या बोलते हैं इसको, पोलम, और बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा है, विटामिन सी से भरपूर। और बहुत टाइम बाद मुझे आज ये खाने का मौका मिल रहा है। लगभग 20 साल पहले मैंने ये खाया था, तो आज फिर से मौका मिला है। और ये मैं हूँ अभी अपनी सिस्टर के घर पर, ये देखो घर है, और ये उनका लड़का है, देखो सामने बैठा हुआ है दीदी का लड़का। क्या नाम है आपका? ये सचिन जी हैं। हाँ, ये सचिन है, ये देखो। और तो लास्ट नाइट को हम यहाँ आए थे, और ये देखिए गांव है यहाँ पर। बिल्कुल ऑन टॉप पर सवाड़ गांव है, उससे ठीक नीचे पड़ता है। और ये हमारे देखो बदमाश चीकू भाई साहब, क्या कर रहे हो आप यहाँ आके? छपाक छपाक और कुछ नहीं करना है। और यहाँ से अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सामने का गांव है, ये है फलदिया गांव, और ऊपर है ये आपका वलगुरा, और ये सामने का गांव आपका कांडे गांव है। दिल्ली में होती है 45-50 डिग्री का टेम्परेचर, यहाँ पर भी लगभग 30 और 32, 35 तक टेम्परेचर दिन में पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर पहाड़ी इलाका होने के बावजूद और पेड़ पौधे हैं, तो दिन में ठंड रहती है, मतलब कि ठंडी हवा चलती है यहाँ पर। अरे देखिए, गांव में जो चौक होते हैं वो पत्थरों से बने होते हैं, इस तरह के पत्थर। और ये पत्थर पहले जैसे घर के ऊपर यूज करते थे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर 2-4 मकान अभी लगभग यहाँ भी लेंटर वाले मकान बन गए। ये देख पा रहे होंगे आप, ये इसके ऊपर पत्थर लगे हुए हैं, इसको पहाड़ी भाषा में पठाली बोलते हैं। और बाकी यहाँ पर भी अब लेंटर वाले मकान बन चुके हैं। देखिए आप, किसी भी गांव में जाएंगे तो यहाँ पर भी पहले का जो मकान का जो ढांचा होता था, जो एक मकान बनता था मिट्टी से पोत करके, और 18-24 इंच की दीवारें होती थी। लेकिन अब ये जैसे मकान, ये सिस्टर बड़ी दीदी का हमारा है, तो ये आपका 12 इंच की दीवार में ये खड़े किया गया है। ये देखिए, और इसके ठीक पीछे एकदम पहाड़ है, और ये पेड़ हैं इस पर लगे हुए। ये देखिए, ये सामने सुंदर सा पहाड़। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। अच्छा, ये क्या लगा रखा है यहाँ? ये मिर्ची का पौधा है, ये मिर्ची है। अच्छा, वो ये वाली बीन्स है, ये बीन्स है, और ये वाले बैगन है, और ये मक्का है। हाँ, अब वो बेल किस चीज की है? वो वाली जो पेड़ पे लग रही है। अच्छा, ककड़ी की है। ओ, ये कद्दू, इस पे कद्दू भी आ रखे है ना? ये है कद्दू का पेड़, और ये इस पे छोटे छोटे कद्दू भी आ रखे। कितने कद्दू आ रखे इस पे? तीन इस पे आ रखे, और एक उस पे आ रखा है बड़ा सा।
ये है अमरूद का पेड़ है ना, ये इस पे फूल आने शुरू हो गए हैं, अब इस पे आएंगे अमरूद। और ये है बीन्स का पौधा, और ये बीन्स तोड़ रही है, देखो ये लड़की हंस रही है। इसे बहुत सारे बीन्स लगे हैं, अब आओ खाओ। ये देख लो भाई घर की एकदम ताजी फ्रेश सब्जी, इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं गए, जो कि शहरों में तो मिलती नहीं है। ये टमाटर भी होते बहुत ज्यादा, ये है टमाटर, अभी ये लाल नहीं हुए, अभी ये कितने दिन में पक जाएंगे, ये मतलब कि अगर शरीर खराब नहीं होंगे तो पक जाएंगे। अच्छा चीकू, देख कितनी प्यारी चिड़िया, ये है पोलम, इसको हम दिल्ली में बोलते हैं आलू बुखारा, है ना। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। अरे वाह, तो ये देखे भाई ठेठ पहाड़न, बादलों के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे, अरे तो बहुत मोटी लग रही है, मेरे उत्तराखंड में। तो ये देखो जी, ये देखो, ये दिल्ली वाले हैं, मेरे उत्तराखंड में, क्या बात है देखो, मेरे उत्तराखंड में। तो ये देखिए जी, आज पहाड़ी धान में डाली डाली फूल, ये पहाड़ी कल्चर का जो पहनावा है इसमें ग्लोबंग, और इसको बोलते हैं आपका मेरे उत्तराखंड पिछोड़ा, और ये गांव में जो लेडीज पहनते हैं शादियों में भी पहनती हैं, और विशेषतः है तब पहनती जब सर्दियां हो बर्फ गिरी हो, तो वो वाला परिधान ये। और ये काफी जो कलाकार है उत्तराखंड के वो उसमें भी क्या कहते हैं शादियों में भी यूज करते हैं, और जब कोई लोक कलाकृति या कोई प्रोग्राम होता है
तो वहां पर भी कलाकार इस ड्रेस का यूज करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है? बिल्कुल आ रही है फीलिंग अलग। क्या मैं बहुत मोटी लग रही हूं? ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा, छम छमा पायल घुंघरू बजने ग्यारह सुटमा। तो ये जी विदाई का टाइम हो गया यहाँ से। तो ये अभी हमारी भाषा में कहते हैं, काली भाषा में पिटाई लग रही है। और ये दूसरी बार आई है मैडम, और ये चीकू है, पहली बार ही हम अकेले आए थे। दीदी भी आज हमारे साथ मामा जी के घर जा रही है। तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, सीधे मामा के घर 40 किलोमीटर लंबाई में लगा दिया। बिंदी से ऊपर लगा फिर बिंदी के ऊपर। वेरी गुड। आप हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो ऊपर का। चलो ठीक है।